आई एम ए साइंटिफिक सन्यासी, मैं एक वैज्ञानिक सन्यासी हूं, मैं अंधविश्वास नहीं मानता। शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत, पिशाच, ये वास्तु, ज्योतिष, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर कोई पाखंड। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो शनि, केतु, राहु के चक्कर में है? कोई नहीं बोलेगा। कोई कहते हैं मेरा शनि ठीक नहीं है, कोई कहता है मेरा केतु ठीक नहीं है। और मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूं, मैं छोटे छोटे स्कूलों से लेके कॉलेजों में जाता हूं और बच्चों से पूछता हूं तो पता लगा वो शनिवार के दिन स्टूडेंट वो शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाने गए हुए। बोले अभी हमारा एग्जाम आने वाला है, हम सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। सरसों तेल चढ़ाने से मार्क्स ज्यादा कैसे आ जाएंगे? पढ़ाई करो, तुम साइंस के स्टूडेंट हो। शनि कितनी दूर है धरती से? कितने लाख किलोमीटर है बताओ? आज तुम फंस गए हो। शनि मुझे इतना पता है कि वो लाखों किलोमीटर दूर है। तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो, तुमको तो पता होना चाहिए धरती से इतना लाख किलोमीटर दूर है। पूरा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आप योग के बारे में मुझसे पूछो, मैं 100% बताऊंगा। साइंस के बारे में पूछो तो बेसिक साइंस बता दूंगा। एग्रीकल्चर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में पूछोगे तो मैं आंकड़ों के साथ बता दूंगा। तो शनि जो धरती से लाखों किलोमीटर दूर है, क्या शनि किसी आदमी पर चढ़ सकता है? किसी बहन पर चढ़ सकता है? इस किसी पर भी स्त्री या पुरुष पर, मेल या फीमेल पर चढ़ेगा तो उसकी तो चटनी बन जाएगी। देखो, शनि आदमी पर नहीं चढ़ सकता, आदमी शनि पर चढ़ सकता है। अब मैं धरती पर चढ़ा हुआ हूं या धरती मेरे ऊपर चढ़ी हुई है? हम धरती पर हैं, धरती हम पर नहीं है। हम तो धरती का वजन ही नहीं उठा सकते, धरती से कई गुना बड़ा है शनि। तो बोले शनि मेरे ऊपर चढ़ गया, केतु चढ़ गया, राहु चढ़ गया, किसी पर तो तीनों चढ़ जाते हैं। 5 फीट का आदमी नहीं, औरत नहीं, इसमें तीनों चढ़ गए। और कौन बताते हैं? ज्योतिषी बताते हैं। तो आप साइंस के स्टूडेंट हो तो कभी भी जीवन में अंधविश्वास नहीं मानना, लेकिन मानते हो। साइंस के विद्यार्थी हो, कभी भी गलत बातों में विश्वास